करीमनगर टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद नईमुद्दीन के घर पर हिंदू भाई जो कि टीआरएस पार्टी के फाउंडर्स है उन सभी को अपने घर पर मधु करके बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार और ताम का इंतजाम रखा गया और इस बात को साबित किया गया कि तेलंगाना रियासत के सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरह ही वो सोच रखते हैं। केसीआर भी यही सोच रखते हैं कि देश के हिंदू मुसलमान में एकता भाईचारगी प्यार और मोहब्बत और देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में गंगा जमुना तहजीब की शाख को परवान चढ़ाया जाए यही सोच तेलंगाना रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बीसी वेलफेयर और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर गांगुला कमलाकर तेलंगाना स्टेट के प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार सूडा डायरेक्टर करीमनगर और टीआरएस पार्टी के प्रेसिडेंट जीवी रामाकृष्णा राव की भी यही सोच है। सीएम केसीआर सर की सोच इन तमाम से मेल खाती है। इस मौके पर काफ़ी सारे हिंदू मुसलमान भाइयों ने एक साथ मिलकर एक ही दस्तर पर दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया। इस मौके पर सी राजेंद्र मारुति कलर सतन्ना एम श्रीनु मलिक अर्जुन श्रीनिवास रेड्डी आनंद तिरुमलेश के अलावा दिगर ऑल इंडिया मुफ्तियान के प्रेसिडेंट नदीम मौलाना मौला हसन बाबा अहमद माजिद के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है करीमनगर से रिपोर्टर अब्दुल रहमान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। टीआरएस के सीनियर लीडर सैयद नईम और आनंद हमारे आनंद साहब हमेशा इनको देख करके आनंद आते रहता है इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आनंद के साथ रहें मोहब्बत के साथ रहें और प्रेम के साथ रहें और हमारे आनंद जी की जो हिंदू और मुसलमान भाईचारे की बात है इसको कबूल करें और इस पर अमल करें। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।